रन अवे 34 और फाइटर का कंपेयर करें। कंपेयर करना इसके लिए सही नहीं होगा, मुझे लगता है इसके बारे में सिमिलरिटी देखें। तो भाई सिमिलरिटी ये है, रन अवे 34 में हमें एक ये केस देखने को मिला था जिसमें कि अजय देवगन फ्लाइट को लैंड करते हैं पर वो ड्रिंक किए हुए होते हैं, तो उस पर थोड़ा केस चलता है, उसकी कहानी थोड़ी चल रही होती है, उसमें पीसफुल मसाला होता है, इसमें ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। बाकी फाइटर में देखें तो फाइटर में एक्शन क्रेज और थोड़ा बहुत इमोशनल एंगल है, और इंडियन का पर्सपेक्टिव भी देखने को मिल जाएगा आपको, देशभक्ति भी देखने को मिल जाएगी, वहाँ भी थी रन अवे 34 में भी थोड़ी बहुत देशभक्ति देखने को मिली थी, बट उतनी वो हिट नहीं हो पाई क्योंकि उसका फर्स्ट हाफ बहुत ज़्यादा हिट चला गया और सेकंड हाफ में वो एकदम डाउन हो गई। क्यों डाउन हो गई इसका रीज़न आपको पता ही होगा, क्योंकि अचानक से उनने सारा मसाला क्रेज सब कुछ छोड़कर अमिताभ बच्चन पर फोकस कर दिया। अमिताभ बच्चन पर फोकस करने से ये हुआ कि पूरा डायलॉग पूरा क्रेज अमिताभ बच्चन ले गए और बाकी सब कुछ नहीं कर पाए, जिस वजह से पूरा क्रेज वहाँ पर डाउन हो गया, पूरी सेकंड हाफ में पूरी मूवी ही डूब गई। और फाइटर आने वाली है जो कि अभी 26 जनवरी के समथिंग आ सकती है, आने की डेट आ ही गई है, तो उसके बारे में बात करें तो उसमें देशभक्ति के साथ एक्शन क्राइम और थ्रिल भी देखने को मिलेगा जो कि बहुत एंगेज्ड रहेगा। मुझे लगता है कि ये मूवी बहुत अच्छी हिट हो सकती है। इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी मैं आपको दिखाऊंगा और इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा मूवी देखने का। सबसे पहले मूवी मैं इसको देखना चाहूंगा क्या होती है इस मूवी में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।